दोस्तों, चरण स्पर्श करना या पैर छूना हिंदू संस्कृति में सदाचार का प्रतीक माना जाता है। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज यही थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों साल पहले ही समझ लिया था, वो भी उस दौर में जब आजकल जैसी वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को समझा, उनके महत्व को पहचाना, फिर उन बातों को हमारी दिनचर्या में ऐसे जोड़ा कि वो हमारे संस्कार बनते चले गए। अपने गुरुजन, बड़े बूढ़ों और माता पिता का पैर छूना या चरण स्पर्श एक ऐसा ही संस्कार है। आजकल लोग इस संस्कार का महत्व तो नहीं समझते और इसका महत्व तो नहीं समझने की वजह से वो इसे कर भी नहीं रहे हैं या व्यर्थ ही खाना पूर्ति मान लेते हैं। लोग कहते हैं पैर छूने से क्या होता है, तो आइए जानते हैं इसके पीछे के वैज्ञानिक और मानसिक कारण। दोस्तों, विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। व्यक्ति की ऊर्जा स्तर के अनुसार हर मनुष्य का आभा मंडल अलग ऊर्जा तीव्रता और अलग रंग का होता है। यह आभा मंडल हमारे ऊर्जा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और विचारों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे विचारों और व्यवहार के बदलने से इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे सकारात्मक या आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति का आभा मंडल का प्रभाव किसी पापी अहंकारी व्यक्ति के आभा मंडल से बिल्कुल विपरीत होगा। तो दोस्तों, जब हम किसी के पैर छूते हैं तो इसे पता चल जाता है कि हम अपने अहम से परे होकर उसके लिए गुरुता, सम्मान और आदर की भावना से चरण स्पर्श कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना समर्पण और विनीत भाव को दर्शाता है। जिसका हम चरण स्पर्श करते हैं उस पर तुरंत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। उसके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावना निकलती है जो उसकी आभा मंडल में परिवर्तित लाती है। पैर छूने से हम उस व्यक्ति के आभा मंडल से अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं जो हमारे मनोमस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमारे आभा मंडल को और भी ऊर्जावान बनाती है। चरण स्पर्श करने से हमें अपने नकारात्मक सोच विचारों से मुक्ति दिलाती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद हमारे सौभाग्य में सहायक बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों को नियमित प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। भारतीय ज्योतिष में भी बताया गया है कि अपने से बड़े में उम्र और बड़े बुजुर्गों का चरण छूने से कई प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। सही ढंग से अच्छी भावना के साथ चरण स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति आपसे दिए गए सम्मान और आदर को अनुभव कर सके और उसके मन में आपके प्रति और आशीर्वाद की भावनाएं उत्पन्न हो। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि किसके चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बात यह ध्यान रखें कि जिसका पैर आप छू रहे हैं वो अच्छे आचार व्यवहार और आचरण वाले हो। यदि आपको लगता है कि वह व्यक्ति दुष्प्रवृत्ति का है तो उसके पैर छूने से आपको लाभ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक।